व्हाट्सअप पब्लिक क्या बोलती है, अंटाइबा बोलती क्या। तो आज का ये जो व्लॉग है मेरा वो शुक शर्क का है, तो मैं सोचा व्लॉग शूट करके आपको ये शर्क की सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग सालमिया में रहते हो तो सालमिया में अपोलो हॉस्पिटल से आपको 999 बस मिलेगी, जो कि ठीक ये टावर के पास उतारेगी आपको। ये जो दिख रहा है अल्हम्ब्रा टावर, यहाँ से आपको स्ट्रेट स्ट्रेट आना है और थोड़ा बहुत ये ग्राउंड वगैरह होगा ग्राउंड, और वो क्रॉस करके ये ब्रिज पे चढ़ना है। और ब्रिज पे चढ़ने के बाद में आपको ये जो बिल्डिंग दिखेंगी एग्जैक्ट ये बिल्डिंग के पास, ये ब्यूटीफुल बिल्डिंग के पास आपको आना है, और उसके बाद में ये ब्रिज से उतर के बाकी का वे आपको बताता हूँ। तो गाइस जब भी आप आओगे तो यहाँ पे ट्राई करो और चेक मारो। तो ये एक बनता है पता नहीं कौन, हाउ आर यू ब्रो, गुड, हाँ थैंक यू। तो वो अपने को कांग्रेस कर रहा है और ऑल द बेस्ट कर रहा है। तो बाकी व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रही है। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि आगे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ मैं आप लोग के लिए लेके आने वाला हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं उतर रहा हूँ यहाँ से, कितना खूबसूरत लग रहा है ये 5:30 PM के टाइम पे। सो लेट्स टेक अ लुक ऑफ दिस व्यू। गाइस ये नज़ारा देख के ही एकदम मतलब नहीं क्या, बहुत मज़ा आ रही है और बहुत अच्छी जगह है। तुम लोग घूम फिर सकते, फ़ोटो शूट कर सकते, काफ़ी चीज़ कर सकते, और मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ एक्चुअली, और मैं हर जगह फर्स्ट टाइम ही जाता हूँ और ब्लॉग शूट करता हूँ सीधा। तो मैं ज़्यादा यहाँ घुमा नहीं हूँ, जब से मैं ब्लॉग स्टार्ट किया तब से मैं हर जगह पर जा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज दूँ जितना मेरे को पता है और पता चल रही है। तो बहुत मज़ा आएगा। तो बहुत हार्ड हार्ड बिल्डिंग है यहाँ पे, देखो ना कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है ये, क्या लग रही है। वो वीडियो में भी इतनी अच्छी नहीं दिख रही जितनी सामने से दिख रही है एक्चुअली। तो अभी अपन जा रहे हैं चल चल के, आप लोग आ सकते हैं। अभी तो मुझे लेट हो गया है, आना चाहिए था मुझे सुबह मॉर्निंग में, बाकी अभी थोड़ा ठंडा मौसम है, सही है, शूट भी ठीक ठाक आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सीन है। बिल्डिंग है ये, इसका जो मेन थार से मुझे जितना व्यू मिल रहा है मैं आपको शूट पे बताता हूँ। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो जगह है, ये जगह पे ये साइलेंट प्लेस है गाइस। साइलेंट मीन्स ज़्यादा मतलब पब्लिक नहीं, कैसे रहेगी, इतना बड़ा बड़ा रोड है और सब ऐसा ऑफिस वगैरह टाइप की जगह है, घूमने भी टाइप की जगह है, तो कैसा ज़्यादा पब्लिक रहेगी। और ऐसा कुछ मॉल वॉल नहीं है, खाली स्ट्रीट है स्ट्रीट है, हो सकता है आगे कुछ हो, इसके लिए पब्लिक यहाँ ज़्यादा नहीं है वहाँ ज़्यादा होगी। शर्क, ये जो आप देख रहे हो इधर, ये जगह पे अपन जा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से मुझे यहाँ पे बहुत सारी बोट्स शिप्स वगैरह दिख रही है। तो अभी वहाँ जाके नाइट लुक में अभी अपना कैमरा चालू होगा, तो देखते हैं कैसा व्यू आता है और क्या सीन रहता है। तो जो मेन जगह अपने को आने का था वो थी ये शुक शर्क, तो अभी रोड क्रॉस करके वहाँ चलते हैं और देखते क्या सीन है वहाँ पे। और ये जो मॉल है वो सी साइड को एकदम लिंक किया हुआ है, और जस्ट बाजू में ही ब्रिज है, ये ब्रिज डायरेक्ट दोहा जाती है, दोहा कंट्री के लिए। तो ये सारी बोट्स है, अभी तो यहाँ पे लाइट बंद है, शायद थोड़ी देर बाद चालू हो या हो ही ना, तो पता नहीं। तो बाकी मैं अभी यहाँ से मुझे मेरा जो मिशन है वो ये मॉल में जाने का है, तो अभी मैं ये साइड से मेरे को एंट्री है, ये साइड से मैं इंटर करते हुए निकल रहा हूँ और दूसरे साइड में वो कॉर्नर पर मैं पहुँचने वाला हूँ। आपको मैंने वो साइड में दिखाया ब्रिज डे के शूट में, तो अभी यहाँ आने तक थोड़ा नाइट का टाइम हो गया क्योंकि मगरिब हो रही थी। सामने ही मस्जिद है माशाल्लाह, जगह जगह पे मस्जिद है, तो नमाज वमाज पढ़ लिया, फ्रेश हो गया, थोड़ा कूल हो गया। तो अभी फटाफट अपन अपने मिशन पे चलते।
सो गाइस, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोविड सिटी में हूँ और कोविड में हूँ, और ये जो जगह है अभी जहाँ मैं हूँ वो बहुत हार्ड जगह है, और एकदम नहीं क्या यहाँ पे फोटो शूट वगैरह बहुत रावस रावस आएगा, और घूमने लायक की जगह है। सो जो लोग एक्सपेंस नहीं कर सकते, जिनके पास ज़्यादा पैसे वगैरह नहीं है, वैसे टाइप के लोग अगर मेरे वीडियो देख रहे हो तो मैं उन लोग से खाली एक ही चीज़ बोलूँगा, तुम लोग के पास अगर टैक्सी वगैरह का पैसा नहीं है तो तुम लोग को मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि तुम लोग 999 बस पकड़ के यहाँ पे आ सकते हो, थोड़ा से 5-10 मिनट का वॉकिंग करके यहाँ पे आके यहाँ का भी इंजॉयमेंट ले सकते हो। तो अगर आप लोग न्यू हो कोविड में तो आप लोग डे का इधर उधर का ऐसा ऐसा फ़ोटो खींचते हो और फैमिली को दिखाते हो, दिखाना है तो ऐसा लुक दिखाओ, ऐसा व्यू दिखाओ फैमिली को कि आप किधर हो। तो आई होप आप लोग को मेरा बोलने का मतलब समझ में आया होगा। तो आपको ज़्यादा पैसा भी खर्चा करने का नहीं है, 999 बस पकड़ के शुक शर्क में अलहमरा टावर के पास उतरना है, ये रहा अलहमरा टावर, यहाँ उतरना है और यहाँ से पैदल पैदल शुक शर्क में आना है जो कि वाटर फ्रंट है, और यहाँ का नाइट आउट लुक तो एकदम किल है किल, तो बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, एक सब्सक्राइब करोगे ना थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मज़ा आएगी वीडियो शूट करने और हार्ड हार्ड जगह जाने। तो लाइक भी करो वीडियो को और कमेंट में आपका फीडबैक भी दो, क्या है क्या नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी पूछ सकते हो, मैं ऑन द स्पॉट आप लोग को रिप्लाई दे दूंगा। अभी अपन लोग को यहाँ से जाना है एग्जैक्टली ये मॉल के पास, तो अपन लोग यहाँ ये मॉल में पहुँच रहे हैं, तो देखते हैं क्या शॉट है उधर। ब्रिज के ऊपर से, ये ब्रिज से मैं यहाँ से नीचे उतरा और मैं सीधा वो मॉल की तरफ नहीं गया, स्ट्रेट मैं थोड़ा से लेफ्ट लिया और ये गली में घुसा। ये गली में घुसने के बाद मुझे ऐसा कुछ मॉल दिखा जो कि मैंने आपको दिखाया, सॉरी मॉल नहीं है वो रेस्टोरेंट, तो वही जो भी मैंने आपको दिखाया। यही है वो मॉल जहाँ अपने को अंदर जाना है, सो अपन एग्जैक्टली इधर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, तो बहुत हार्ड जगह है, अभी अंदर जाके देखने का है कि मॉल के अंदर का क्या सीन। सीढ़ी से चढ़ा, ये सीढ़ी पे उतरा, यहाँ पे पिज़्ज़ा हट बर्गर किंग वाले ब्रांड से और बहुत हार्ड हार्ड चीज़ें, तो ऊपर का जो है वो फूड कोर्ट दिख रहा है, नीचे सब शॉपिंग सेंटर है, लाइक ये देखो बॉडी शॉप है यहाँ पे, तो ये बॉडी शॉप हो गया, ऐसे सारे परफ्यूम के शॉप से, बैग के शॉप से, वॉच के शॉप है, और खाने पीने की भी जगह है, क्लोथ्स वगैरह भी है, बहुत अच्छा मॉल है घूमने लायक का है। यहाँ पे किरकिरी नहीं ना, हाँ प्रॉब्लम नहीं ना कुछ नहीं, कोई देखी प्रॉब्लम, हाँ हो सकता है, बोल नहीं सकते, तब तक मैं निकल जाऊँगा। बैग का शॉप है इधर,
और प्लस यहाँ मस्जिद है इमरजेंसी में नमाज पढ़ने के लिए, यहाँ के काम करते वजूद के लिए, प्लस पैसेंजर की। तो अभी जो आपको दिखा रहा हूँ मैं वो एक्साइट है, सारे इलेक्ट्रॉनिक ए टू जेड आइटम्स मिलते हैं यहाँ पे। बहुत मस्त मॉल है थोड़ा, और अच्छा लग रहा है घूमने यहाँ पे। सारे शूज़ के ब्रांडेड शूज़ है। ये प्रोटीन का शॉप है यहाँ पे, ब्यूटी कलर्स है। कोइट के कोई भी मॉल में चले जाएंगे आप, आपको हर एक चीज़ मिलेगी, हर एक चीज़। ये एक ही मॉल नहीं, हर मॉल में आप जाओगे आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, तो खाली आपको निकलना है। ये डेयर बाय ब्रांड है, सो मेंस और वुमेंस दोनों दिख रहा है मुझे बाहर से। यू कैन स्टॉप स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स के लिए है, अगर आपको फुटबॉल वगैरह का शौक है, कोई भी स्विमिंग विमिंग का शौक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें, यहाँ पे स्पोर्ट्स का भी ब्रांड है गाइस। मैं भटक रहा हूँ रास्ता, मैं अपना शूट चालू रखते हुए अभी मैं फूड कोर्ट एरिया में घुस रहा हूँ। सो ये जो फाइनली जगह है वो मुझे मिल गई, थोड़ी अलग टाइप की, जैसे कि आप ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना चाहते, ये सब फ्रूट के मिल्कशेक वगैरह है, बास्किन रॉबिन है आगे, आइसक्रीम का है, और ये सारे KFC वगैरह बहुत सारी चीज़ें खाने की, बर्गर पिज्ज़ा, और ये रहा अपना बास्किन रॉबिन आइसक्रीम का स्टेशन। यहाँ पे प्लेस भी है काफ़ी सारी बैठने को, सामने मैकडोनल्ड्स है, मतलब फूड कोर्ट एरिया है, शॉपिंग लाइक जगह है, घूमने लाइक जगह है, वाटर फ्रंट है, और जो व्यू आपको चाहिए आपको फील होना चाहिए राइट कि आप किधर आए हो, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आप लोग के पास। चलते जा रहा हूँ, मुझे सीढ़ी नहीं मिल रही नीचे उतरने की, अंकल गुस्से में देख रहे मेरे को पीछे से, पलट के देखो, अभी तक देखिए मैं रास्ता भटक चुका हूँ। मुझे एक सीढ़ी मिल गई, तो सीढ़ी से मैं उतर रहा हूँ, मैं सीढ़ी से उतर गया, मैं भी ग्राउंड फ्लोर पे वापस पहुँच गया, तो जो चाहिए था वो सर ये सीढ़ी से मैं आया। और प्लस ये ज़ारा का ब्रांड है, इधर देख रहे हो आप लोग ज़ारा है। अंदर जाके क्या करने का, कुछ लेने का रहेगा तभी उस पर भी ब्लॉग बना देंगे, अभी खाली पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देने का है। क्या दूँ इन्फॉर्मेशन, मेरे हिसाब से तो मॉल ख़त्म हो गया है, बस मेरे को यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। आई होप ये वीडियो थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल रहेगा, इतना जो आप लोग टाइम देते हो वीडियो के लिए, 10 मिनट का मेरे को टाइम देते हो मेरी वीडियो देखने के लिए, तो उतने में मैं थोड़ा कुछ तो आपके लिए बेनिफिट के बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ, बताऊँ, और अपना वीडियो इन्जॉय कराओ आप लोग से कि आप लोग को भी मज़ा आया देखने। तो ये ज़ारा आ गया, फिर से ज़ारा आ गया, और एक परफ्यूम का शॉप दिखाता हूँ जो बाहर से बहुत कूल दिख रहा है। तो ये सब जगह ये परफ्यूम का है, परफ्यूम का शॉप एंट्रेंस पे ये राइट साइड। अब मैं जहाँ से अंदर आया हूँ वही गेट से बाहर निकल जाता हूँ, तो फिर गर्मी हवा, हाँ अब गरम हवा लग रही है आग में। तो बाकी यही था अपना शूट गाइस, मज़ा आई, बाकी बहुत मज़ा आई। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी ना तो देख के भागो मत, लाइक वाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और कमेंट नहीं क्या वो ऐसा हूँ ये वो नहीं क्या, कुछ भी भेज दो चलेगा, लिखो लिखेंगे नहीं, लिखने की मेहनत नहीं चाहिए, एक इमोजी छोड़ दो। और मुझे पता है ये वीडियो डालते साथ तो वायरल नहीं हो जाएगी, लेकिन जितने भी साल के बाद होगी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की आप लोग को एंटरटेन करने की और इन्फॉर्मेशन देने की, तो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता थोड़ा बहुत हेल्प करना। तो अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, अपना ख्याल रखो तब तक के लिए, कुछ भी चीज़ें कमेंट करो कमेंट करो यूट्यूब पे, और फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, सो सारी चीज़ की अपडेट मिल जाएगी आप लोग को, होप आपके लिए बेनिफिट होएगा। आज का व्लॉग इतना ही था अपने लिए, क्योंकि थोड़ा डे टाइम होता तो और रावस मजा आती। तो अपन लोग मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू।